हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रम प्रताप सिंह एंड वेलकम टू एचपी एकेडमी। आज जो हमें आपसे डिस्कस करना है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना है, जो भी प्रोविजंस हैं उनके बारे में डिस्कस करना है, और साथ ही साथ अगर कोई भी रेफरेंस निकल के सामने आता है तो उनको भी हम आपसे डील करेंगे। तो क्योंकि कभी कभी आपको सिलेक्टिव होना पड़ता है, जब एग्ज़ाम के टाइम आते हैं ना, तो उस टाइम पे आपको सिलेक्टिव होना पड़ता है। तो ये बहुत ही सिलेक्टिव और प्रिसाइजली हम आपको भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की वीडियो लेके आए हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आप हमारे पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इंडियन एविडेंस एक्ट आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ 1872 है, 167 इसमें प्रोविजंस हैं। और अब जो बेसिकली हमें आपसे डील करना है वो ये है कि जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक, जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम कैसे उनके उन पॉइंट में, उन प्रोविजन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपसे बताते हुए ऐसे गो थ्रू होते रहते हैं, ठीक है। इस पर दो वीडियोज़ बनेंगी, ये पहला लेक्चर है और एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसके बाद, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले जो हमें आपसे डील करना है वो ये है, शॉर्ट एक्सटेंट एंड टाइटल होता है। सबसे पहले पूछते हैं कि क्या इंडियन एविडेंस एक्ट एग्जॉस्टिव है कि नहीं है। तो आपको पता है कि यहाँ प्रीएम्बल में इसने मेंशन कर रखा है कि कंसोलिडेटेड वर्ड को मेंशन कर रखा है, तो वो एग्जॉस्टिव है। फिर उसके बाद पूछते हैं कि कोई क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम्स में कि शॉर्ट एक्सटेंट एंड टाइटल के बारे में, तो होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है, ठीक है। होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेशन के साथ साथ इसमें देखना है कि किन किन टॉपिक्स पे अप्लाई नहीं होता है। तो सेक्शन वन जो बात करता है वो टॉपिक्स के बारे में बात करता है कि कहाँ अप्लीकेबल है और कहाँ कहाँ नहीं अप्लीकेबल है। तो सेक्शन वन क्या कहता है कि ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे, ठीक है, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे। तो अब पूछ लेता है कभी कभी कि क्या जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है या नहीं होता है, तो आप बताओगे कि नहीं होता है। फिर पूछता है क्या एफिडेविट पे अप्लाई होता है कि नहीं होता है, ठीक है, तो एफिडेविट पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। फिर पूछता है किसी नेवल या आर्मी की कोई डिसिप्लिनरी एक्ट है तो उन पर एप्लीकेशन होता है कि नहीं होता है इनका, तो वो भी आप बताओगे। फिर पूछता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं क्या कंज्यूमर फोरम पे अप्लाई होगा या कोई ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम्स पे अप्लाई होता है कि नहीं होता, जुडिशियल फोरम पे अप्लाई होता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों की आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। फिर आता है सेक्शन टू। सेक्शन टू बात करता है आपका, एक रिपील्ड प्रोविजन है, रिपील्ड प्रोविजन है आपका, रिपील्ड प्रोविजन है। 1938 में इसको रिपील कर दिया गया था, ठीक है, 1938 में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि कब रिपील किया गया था, तो याद रखना 1938 में। फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन क्लॉज आती है। सेक्शन थ्री बात करता है डेफिनेशन क्लॉज की। तो डेफिनेशन क्लॉज में क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं एक एक पॉइंट करके। कोर्ट होता है ना, तो इसमें देख लेना कि कौन कौन से कोर्ट आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं, ऑल मजिस्ट्रेट्स आते हैं या कब कब किसी चीज़ को कोर्ट नहीं मानी जाती, इस पर प्री में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं पीटी लिख दे रहा हूँ, पीटी में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ। फिर दूसरा इसमें क्या है, फैक्ट। तो फैक्ट के बारे में जान लेना कि फिजिकल फैक्ट क्या है, मेंटल फैक्ट क्या है, बाइफर्केशन क्या है, इसका इलस्ट्रेशन आपको जानना है, और साथ ही साथ देखना है कि फैक्टा प्रोबेंडा, फैक्टा प्रोबेंशिया, इस तरीके के जो भी प्री ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू क्या होता है कि एक का असर्शन, दूसरे का डिनाइल, फैक्ट इन इशू बोला जाता है। तो जब उस पर पॉइंट बन रहा है तो उस पॉइंट को भी आपको देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर। इसका जो इलस्ट्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन पे पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, फैक्ट इन इशू के बारे में जान लेना। फिर आता है आपका रेलिवेंसी। रेलिवेंसी आपको पता है कि कब कोई चीज़ रेलिवेंट होती है, कब नहीं होती है। तो आपने मेन वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब एक कनेक्टिंग फैक्ट दूसरे कनेक्टिंग फैक्ट से क्लोजली रिलेटेड होते हैं या कनेक्टेड होते हैं तो वो रेलिवेंट होते हैं, ठीक। तो रेलिवेंसी पे भी बेस्ड है, क्योंकि ये रेलिवेंसी, ये फैक्ट इन इशू, इन सबको अगर प्रूव किया जाता है तो किसी भी व्यक्ति का कोई भी जो मैटर चल रहा होता है उसमें कंटेंशन प्रूव किया जाता है या डिसप्रूव हो जाता है, ठीक है, रेलिवेंसी आ गया। फिर डॉक्यूमेंट में आपको देखना है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या आते हैं, क्या नहीं आते हैं, किन चीज़ों को डॉक्यूमेंट में यूज़ किया जा सकता है, किस पर्पज़ के लिए डॉक्यूमेंट को यूज़ किया जा सकता है, कि ज़रूरी है कि कोई भी रिटन टेक्स्ट है तो वो डॉक्यूमेंट होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स में देखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें कोई और इम्पॉर्टेंट जो भी है वो ये तीन प्रोविज़न है,
प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड, ये तीन प्रोविजन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको भी आप देख लेना कि कब होता है कि जब प्रूव और डिसप्रूव नहीं होगा तो ये नॉट प्रूव में जाता है, जब एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस यहाँ प्रूव हो जाता है तो उसको कहते हैं, जब किसी भी फैक्ट का एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं हो पाता है, ठीक है, तो और जब किसी फैक्ट का एग्जिस्टेंस प्रूव हो जाता है तो उसे प्रूव्ड कहते हैं, जब नहीं प्रूव होता तो डिसप्रूव कहते हैं, और जब नॉट प्रूव की सिचुएशन है जब ये दोनों आगे वाले नहीं हो पाते हैं। तो ये आपके डेफिनेशन क्लॉज में इतने क्लॉजेस थे, ठीक है, इंडिया वगैरह भी डिफाइंड है लेकिन आप उसको देख लेना, ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आता है फोर, सेक्शन फोर, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि प्रिजम्पशन की बात करती हैं। प्रिजम्पशन क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ को डिस्चार्ज करने के लिए प्रिज्यूम कर लिया जाता है। प्रिजम्पशन क्या होता है, किसी भी फैक्ट का कोर्ट अज्यूम कर लेती कि ये फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक तरह का लीगल बर्डन ऑफ प्रूफ है, एक तरह का आप कह सकते हो कि लीगैलिटी मिलती है। तो एक मे प्रिज्यूम है, ठीक है, शैल प्रिज्यूम है और कंक्लूसिव प्रूफ है। तो एक इसमें प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, ठीक है, प्रिजम्पशियो होमिनिस, प्रिजम्पशियो जूरिस, प्रिजम्पशियो जूरिस। फिर आता है, इतने क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, फिर इसमें आता है कि ये रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, सॉरी रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, यहाँ रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है और ये इररिबटेबल है, ठीक है, यहाँ रिबट किया जा सकता है, ये इररिबटेबल है किसी भी कंडीशन में। तो ये आपका प्रिजम्पशन हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है और क्या चीज़ें इसमें देखनी है कि कहाँ कहाँ मे प्रिज्यूम है, किन किन प्रोविजन में, कहाँ कहाँ शैल प्रिज्यूम है, कंक्लूसिव प्रूफ है कहाँ कहाँ दिया हुआ है, जैसे सेक्शन 41 में दिया हुआ है, 112 में दिया हुआ है, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ दे रखा है। यहाँ शैल प्रिज्यूम है तो शैल प्रिज्यूम कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 79, 80, 81 इनके ऑनवर्ड्स दिया हुआ है, 85, 86, 87 इधर जो है वो मे प्रिज्यूम दिया हुआ है सेक्शन 90 में, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछता है कभी कभी 107 और 108 जहाँ लाइफ और डेथ के प्रिजम्पशन की बात होती है तो वहाँ वहाँ क्या दिया हुआ है, तो वहाँ ये शैल प्रिज्यूम में फॉल करता है। 114 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 114, 114A जहाँ की शैल प्रिज्यूम में प्रिज्यूम पूछता है कि वहाँ शैल है या मे है, ठीक है। तो पहले 114 जो है वो मे की बात करता है, 114A जो है वो शैल प्रिज्यूम की बात करता है जो कि अमेंडेड प्रोविजन है 2013 में। फिर आता है 113 कैसा है, 113 कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है, 113A और 113B तो पहले में मे है दूसरे में शैल है तो इनको आपको याद रखना है। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इन सब के रिगार्डिंग आपको ऐसे देख के चलना है कि क्या 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 मतलब आपको लिस्ट बना के चलना है, कभी कभी ये पूछ लेता है, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी पार्ट तो हमने आपसे ये डिस्कस कर लिया, ठीक। अब हम आपको एक जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपसे रेलिवेंसी डिस्कस करेंगे, रेलिवेंसी की, रेलिवेंसी वाले चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ों पे आपको फोकस करना है, कौन कौन सी चीज़ें पॉइंट आउट करनी है, ठीक है। तो गुड लक, देखते रहिए और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऑनलाइन कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेड कोर्सेज। थैंक यू, गुड लक।